ड्रामा आज बन चुका हर घर की कहानी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बढ़ता लगातार चलन, लव ट्रायंगल से दर्शकों को किया जा रहा गुमराह, जानते हैं विस्तार से यह खबर। दोस्तों, टीवी ड्रामा के अगर आप शौकीन हैं तो ऑडियंस का फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में आपने जरूर देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो अच्छा ही है, क्योंकि इसमें आपको शादी और रिलेशनशिप का मजाक बनता आसानी से दिख जाएगा। हीरो को कभी वाइफ से प्यार होता है तो कभी एक्स वाइफ से। सीन पूरा ड्रामेटिक है। बस इतना समझ लीजिए कि डेली सोप की तरह इस सीरियल में भी लव ट्रायंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का डोज दिया जा रहा है। वैसे तो दोस्तों आपको इसकी कहानी का पता है, लेकिन फिर भी हम आपको इसकी कहानी के बारे में एक बार जरूर बताते हैं। इस शो के बारे में बात करें तो इससे पहले ब्रीफ में इसकी कहानी को हम समझ लेते हैं, तभी तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हीरो हीरोइन आखिर किसके प्यार में गुम है। यह कहानी है DCP विराट चौहान की, सई जोशी अधिकारी और पाखी की। विराट और पाखी एक दूसरे से दोस्तों बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी। परिवार के दबाव में विराट को सई के साथ सात फेरे लेने पड़े। ये बात अलग है कि तलाक से पहले विराट के दिल में सई कहीं बस चुकी थी। विराट ने सई से रिश्ता तोड़कर पाखी से शादी तो रचा ली, लेकिन दोस्तों वो खुश नहीं रह पाया। आखिर में विराट और पाखी का रिश्ता टूट ही गया। कहानी का मेगा ट्विस्ट है, अब विराट को सई से फिर शादी करनी है। वो अपनी पहली पत्नी सई के साथ घर बसाना चाहता है, लेकिन दोस्तों सई लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहती है। वो सत्या के साथ शादी का मन बना चुकी है। यहाँ विराट की हिमाकत तो देखो, उसने सई को चैलेंज कर दिया है कि उसकी सत्या से वो शादी कभी होने ही नहीं देगा। फैंस अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप इसकी कहानी को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं।